जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हश्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हश्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है, वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे इसका महत्व है। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लोकतंत्र के अंदर मित्रों, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है, सबको समान अवसर मिले, सबके अंदर ईश्वर दत्त शक्तियां जो पड़ी हैं, वो ईश्वर दत्त शक्तियों के आधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है और किसी दल में नहीं। भाई और बहनों, मोदी जी एक गरीब परिवार से, गरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब परिवार से इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे विश्व में देश को सम्मान दिलाया, गौरव दिलाया, प्रस्थापित। इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति परिवार से आती है, जनजातियों में भी अति पिछड़ी जातियों में से राष्ट्रपति मुर्मू जी आती है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी की बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सभी आदिवासियों का सम्मान। इस देश का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा, खेत जोतने वाले का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बना है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ये सहूलियत उपलब्ध है, क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। मित्रों, ये परिवारवादी पार्टियां जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करती है, वो देश का कल्याण नहीं कर सकती, केवल और केवल राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी ही देश का कल्याण कर सकती है। मित्रों, इस देश में जब से हमारा संविधान बना, हमारे संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, और ये देश आज से नहीं, हजारों सालों से पंथ निरपेक्षता के आधार पर, बिन सांप्रदायिकता के आधार पर चलता रहा। राज्य का कभी कोई धर्म नहीं होता है, सबको अपना धर्म बनाने की, मानने की और उसका अनुसरण करने की छुट्टी भी है, मुक्ति भी है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।